नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल आदर्श पंचायत में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है, मेरे YouTube चैनल आदर्श पंचायत के माध्यम से मैं शासकीय योजनाओं की नई नई जानकारी व नए अपडेट्स से आपको साझा करता हूँ। इसी क्रम में आज मैं ई श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ई श्रम कार्ड की वेबसाइट है जिसमें आपको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा और बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क राशन। चलिए देखते हैं ई श्रम कार्ड के क्या लाभ हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार का ई श्रम कार्ड ये केंद्र सरकार की योजना है। देखिए, ई श्रम कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट या CSC के माध्यम से भी आप बनवा सकते हैं। कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। ई श्रम कार्ड पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को 2,00,000 रुपये तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाती है। यदि दुर्घटना में कामगार श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपये मिलेंगे। यदि दुर्घटना में श्रमिक मजदूर आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे मात्र 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। पंजीकृत श्रमिकों कामगारों को एक 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN नंबर दिया जाता है। जिस प्रकार 12 अंकों का आधार कार्ड होता है, इसी प्रकार ई श्रम कार्ड भी 12 अंकों का होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से राज्य के श्रमिकों, मजदूरों, नागरिकों को ई श्रम कार्ड के अंतर्गत भत्ता राशि प्रदान की जाती है। ई श्रम कार्ड धारकों को भत्ता दिया जाता है। श्रमिकों को भरण पोषण करने के लिए 2,000 रुपये की भत्ता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि 4 माह के आधार पर श्रमिकों को 500 रुपये की राशि के आधार पर वितरित की। दोस्तों, यह भत्ता राशि 2,000 रुपये 4 महीनों में मिलती है। अब देखिए, 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी अब सभी मजदूरों को हर महीने। जाने क्या क्या करना होगा। देश के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों, श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ई श्रम कार्ड लेबर पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। ई श्रम कार्ड धारकों को पेंशन भी मिलेगी। केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि सभी श्रमिकों, मजदूरों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जा सके और उनके आर्थिक बोझ को भी कम किया जा सके। इसलिए सरकार असंगठित वर्ग से संबंधित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं को लाती रहती है जिससे उनका निरंतर उत्थान हो सके। असंगठित वर्ग के श्रमिकों को उनके वृद्धावस्था में पेंशन राशि प्रदान करने के लिए दी गई है। आपको बता दें कि इस योजना में श्रमिकों को 60 वर्ष पूरे होने पर पेंशन के रूप में 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे वृद्धावस्था में वो अपना गुजारा कर सके। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन साथी, जैसे मजदूर की मृत्यु हो जाती तो उनकी पत्नी को 1,500 रुपये प्रतिमाह मासिक पेंशन मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों और कामगारों के लिए लाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड बनवाने पर आसानी से मिल सकता है। जो भी केंद्र और राज्य की योजनाएं चल रही हैं, ई श्रम कार्ड धारकों को प्राथमिकता से मिलेगी। 60 वर्ष के बाद पेंशन राशि प्रतिमाह मिलेगी। 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। पोर्टल पर पंजीकृत करने पर आपको मकान निर्माण हेतु भी धनराशि प्रदाय की जाएगी। ई श्रम कार्ड धारकों को मकान निर्माण के लिए भी राशि मंजूर की जाएगी। पंजीकरण के बाद सरकार के पास श्रमिकों की जानकारी होगी जिससे उन्हें ध्यान में रखकर नई नई योजनाएं भी बनाई जा सकती है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। श्रम विभाग की योजनाएं जैसे मुफ्त साइकिल, बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त सिलाई मशीन आदि भी मिलेगी। श्रमिकों, मजदूरों को उनके काम के अनुसार निःशुल्क उपकरण प्रदान किए जाएंगे। आगे चलकर राशन कार्ड को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा जिससे वो कहीं भी राशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में राशन कार्ड भी फ्री में दिया जाएगा। विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। ई श्रम कार्ड धारकों को PM श्रम योगी मानधन योजना का भी लाभ मिलेगा। स्वरोजगार करने वालों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, PM आवास योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का ई श्रम कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं ई श्रम कार्ड धारक के लिए क्या क्या पात्रता
होनी चाहिए। ई श्रम कार्ड धारक का पंजीयन करने के लिए उम्मीदवार, श्रमिक या कामगार की न्यूनतम आयु 16 से अधिकतम आयु 60 वर्ष के अंदर होना चाहिए। उम्र 16 से अधिक और अधिकतम 60 वर्ष के अंदर होना चाहिए। और उम्मीदवार जो श्रमिक है आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पे नहीं करता हो। देश के लगभग 38 करोड़ से अधिक कामगार ई श्रम कार्ड के लिए पंजीयन करा सकते हैं। 38 करोड़ तक मतलब ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, असंगठित श्रमिक मजदूर कौन है? छोटे और सीमांत किसान, जो छोटे किसान हैं 5 एकड़ से कम के जो छोटे किसान हैं वो ये कार्ड बनवा सकते हैं। एकीकृत कृषि मजदूर, शेयर क्रापर्स, मछुआरे, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबरिंग, पैकिंग, भवन और निर्माण करने वाले श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकरों, बढ़ाई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्टों और पत्थरों की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले, दवाइयों, घरेलू श्रमिक, नाइयों, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चालक, रेशन उत्पादन कार्यकर्ता, बढ़ाई, टेनरी कार्यकर्ता, सामान्य सेवाएं केंद्रों, घर की नौकरानी, सड़क विक्रेताओं, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध डालने वाले किसान और प्रवासी मजदूरों, इन मजदूरों श्रमिकों का कार्ड बन सकता है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपके पास जैसे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाते में आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इन दस्तावेज़ों के आधार पर आपका ई श्रम कार्ड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और ई श्रम कार्ड बना है तो कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊँगा। धन्यवाद।